अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बताइए डॉक्टर, सबको सच बता दीजिए प्लीज। मिंटी प्रेग्नेंट नहीं है। जी, मैं कह रही थी ना कि मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। देखा ना बीजी, आपकी मिंटी ने कोई पाप नहीं किया है, मेरा दामन एकदम साफ हैगा। डॉक्टर ये आप क्या करिए, आर यू श्योर कि वो प्रेग्नेंट नहीं है? आप प्लीज दोबारा टेस्ट करिए डॉक्टर प्लीज। मैंने चेकअप कर लिया अभय जी, रिजल्ट आपके सामने। मिंटी मां नहीं बनने वाली। एक्सक्यूज मी, आप बोल अभय, तूने बुलाया ना अपनी फैमिली डॉक्टर को, अब क्या इनकी रिपोर्ट भी छुटलाएगा? अभी भी तू यही कहेगा कि मिंटी प्रेग्नेंट है? अब देखता हूं कि तू मेरी बहन से कैसे शादी नहीं करता। तेरी सगाई हो गई तो अब तेरी शादी भी होगी। जब मैं बिंदिया पर और डोरे डाले नहीं दूंगा, वो मेरी बच्ची की मां है। तेरी शादी मिंटी से ही होगी। अगर तूने मिंटी से शादी नहीं की फिर तू देख लेना कि तेरा और तेरे खानदान का क्या होगा। बिंदिया और अभय हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। शांत हो जाइए साले साहब। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अभय? अंदर क्या बकवास कर रहे थे तुम? ये बेचारी लड़की पर इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हें पता है ना वो खानदान कितना नामी है? उनका नाम खराब किया वो तो अलग, रोहन का दिमाग खराब किया तो बहुत टेंशन वाला बात है साले साहब। कछु भी कर सकता है वो रोहन भल्ला, बस सुई सरकाने की बात है। अरे हम तो इस नई वाली बिंदिया का रूप देख के ना दंग रह गए। अरे दोनों ओर से बैटिंग कर रही है, चित भी मेरी पट भी मेरी। नहीं दीदी, उस बारे में कुछ मत बोलिए। क्यों ना बोले हम? अरे ये तुम्हारी बिंदिया नहीं है, उसकी शक्ल बिंदिया जैसी है। देखो अबे तुम उसके झांसे में मत पड़ो, हम बता रहे हैं। क्यों सब कुछ बर्बाद करने में तुले हुए हो तुम? क्या बर्बाद हुआ दीदी? सब कुछ। हमरा नाम,
हमरे पद की गरिमा सब कुछ खराब हो गया है लल्ला। अब चलो यहाँ से। अरे कम से कम इतना तो सम्मान दे दो कि हम सीएम हैं। चल निकल। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। तब तक नहीं जब तक बिंदिया 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 तुम्हारे लिए सब कुछ बिंदिया है। 7 साल पहले भी बिंदिया ही थी, उसके जाने के बाद भी सब कुछ बिंदिया ही थी, और आज उसकी शकल और उसके नाम की कोई और आ गई तो लल्ला तूने उसे मां से ऊपर रख दिया। अरे कभी तो अपनी मां को बिंदिया से ऊपर रखा होता। बस लल्ला बस, तुझे सिर्फ बिंदिया की फिक्र है। अरे तेरी इन हरकतों से हमारे सीएम पद पर क्या असर पड़ रहा है कुछ पता है तुझे? तूने उस मिंटी पर जो गलत इल्जाम लगाया है ना, उससे हमारे खानदान की कितनी बदनामी होगी कुछ पता है? और ये सब जो हुआ है ना, उस बिंदिया की वजह से। हम कर इसे क्यों देख रही है जैसे बिंदिया देखते थे? कहीं इसे सब याद तो नहीं आ गया? आपके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी से डर गई हैं। मैं तो बस आपसे ये कहने आई थी कि अभय जी ने झूठ नहीं बोला है। सब लोग प्लीज इन्हें दोष मत दीजिए। अभय जी गलत नहीं है, मिंटी ने खुद इनसे कहा था वो अपने बॉयफ्रेंड के बच्चे की मां बनने वाली है। अभय जी ने खुद से इल्जाम नहीं लगाया है। चलो मान लिया, हम नई सवाल पूछते अपने लल्ला से। एक बात बताओगी हमको, तुम्हारा इरादा क्या है? मैं समझी नहीं। अब इतनी भी ना समझ नहीं हो तुम? अच्छा ठीक है, नहीं समझी ना, हम समझा देते हैं। अम्मा ये पूछ रही है कि तुम्हारी याददाश्त सच में गई है या नाटक कर रही हो ताकि अभय तुमको अपनी पत्नी मानता रहे। एक मिनट, या फिर तुम्हारा दिल आ गया सीएम के बेटे पर इसलिए जाल बिछा रही हो तुम? हाँ, और मिंटी पर गलत गलत इल्जाम लगा दिया तुमने, शर्म नहीं आई तुमको? या क्या कह रही है दीदी? अपनी हद में रहिए, ये मत भूलिए कि मेरी बीवी है। तुम्हारी बीवी मर चुकी है अभय, मैं नहीं मानता पापा। मेरी पत्नी मेरे सामने खड़ी है। देखिए बिंदिया सरकार सोमवार से रविवार शाम 7 बजे दंगल प्ले ऐप पर।